लखीसराय में बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बिहार एसटीएफ और कवैया थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो आर्म्स तस्कर को 18 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोडरमा से जो हैं दो मुंगेर के रहने वाले दो आम तस्कर हैं, वो 18 अर्धनिर्मित हथियार लेकर टाटा एस गाड़ी से मुंगेर जा रहे हैं और इसी सूचना पर कवैया थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई जमुई मोड़ के समीप, जहां से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जो आम तस्कर गिरफ्तार हुआ है, वो अंतर्राज्यीय आम तस्कर बताया जा रहा है और पहले भी कई मामलों में ये फरार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता है। और इस पूरे मामले पर लखीसराय एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कल शाम को एसटीएफ पटना के द्वारा सूचना थी कि कुछ हथियार तस्कर जो है अवैध हथियार की तस्करी करते हुए इसको लखीसराय के रास्ते से गुजरने वाले हैं। उसी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए एसडीपीओ लखीसराय के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष कवैया और पुअनी रणधीर कुमार और परीक्षमयान अनामिका कुमारी और एसटीएफ की जो पटना की टीम थी उनके साथ छापेमारी के लिए टीम को लगाया गया। रात में लगभग एक टाटा एस गाड़ी है जिसका नंबर 5867 था, उसको रोककर जमुई मोड़ के पास तलाशी ली गई तो उसमें से एक तहखाने में बोरे में बांध करके ये 18 अर्ध निर्मित जो है पिस्टल लेके जाया जा रहा था। उसके साथ दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। दो लोग हैं मोहम्मद जहीर, पिता स्वर्गीय जमील, ये कोतवाली मुंगेर का है, और मोहम्मद एजाज आलम, ये भी कोतवाली जिला मुंगेर का है। ये जो मोहम्मद जहीर है ये अंतर्राज्यीय तस्कर है अवैध हथियारों का, और इसके ऊपर पहले भी दो केसेस जो आर्म्स एक्ट के ही हैं, जिसमें एक में वो फरार भी चल रहा था उसमें इस अभियुक्त है। ये एक तारापुर कांड संख्या 141-20 और कोतवाली कांड संख्या 144-18। तारापुर कांड संख्या 141-20 में ये फरार भी चल रहा है। दोनों आर्म्स एक्ट आर्म्स की तस्करी के लिए ही, अवैध आर्म्स की तस्करी के लिए ही उस पर केस है। कहाँ ले जा रहे थे सर? जो अभी पूछताछ से पता चला है कि कोडरमा से ये जो अर्धनिर्मित है और इसको मुंगेर ले जा रहे थे। मुंगेर में क्या सर, इसको तैयार करवाने के लिए ले जा रहे थे? सप्लाई होती है सर। संभावना यही है कि इसको मुंगेर में इसको कंप्लीट करते ये लोग पूरी तरीके से बना के फिर वापस इसको सप्लाई करने का। पंचायत चुनाव भी है सर, क्या लगता है? अब ये इस चीज़ को अभी जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ये हम लोगों को इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है।